हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूँ 10th कैंडिडेट और आईटीआई वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी की जो वीडियो मैं नहीं ले आया था, क्योंकि वैसा कुछ खास वैकेंसी नहीं आई थी आईटीआई वालों के लिए। लेकिन अभी बहुत बड़ी वैकेंसी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आईटीआई वालों के लिए। मैं बता दूं, इसमें 10th कैंडिडेट वाले जो 10th पास हैं सिर्फ वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो आईटीआई किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों वीडियो को शुरू से लेकर स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। आप किस तरह अप्लाई कीजिएगा, कैसे अप्लाई कीजिएगा और कहाँ जॉब लोकेशन होगी, इसको अप्रेंटिसशिप, मैं बता दूँ ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जॉब नहीं है। अप्रेंटिसशिप करने से क्या आपको लाभ है, खास करके जो आईटीआई मेरे कैंडिडेट हैं इन सबको तो पता ही होगा कि अप्रेंटिसशिप करने से रेलवे में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है और कितना बड़ा बेनिफिट होता है। बट 10th वाले बच्चे को नहीं मालूम होगा कि क्या मिलता है, तो सब इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इसमें। तो बने रहिए इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक पूरी बायोग्राफी बात करने वाले हैं हम आज। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं बता दूं, इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट दी जाती है, और आप इसके लिए इस वीडियो अगर यूजफुल रहा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जो कि 10th पास करके बैठे हुए हैं या फिर अदर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आईटीआई वालों के लिए कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुँचाना ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से इन लिंक को फॉलो कीजिएगा, आप डायरेक्ट इस साइट पे खुल जाइएगा और इस तरह का आपको पॉपअप खुल के आ जाएगा। आप देख लीजिए, यहाँ कोना में इंटर्नशिप जो आ रहा है, देख लीजिए न्यूज पब्लिश हुआ है अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी की। आपको जस्ट ये जैसे ही ऊपर आए इसको आपके क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी विवरण जो आपको देख सकते हैं, एक्ट अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2019, ये आपको डाउनलोड कर लेना ऑलरेडी। ये वो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में हो सके तो मैं प्रोवाइड ये, जो कि लिंक का डिस्क्रिप्शन में मौजूद भी है, आप वहाँ से डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा। तो चलिए यहाँ सबसे पहले आप देख लेते हैं, यहाँ हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन सब में दिया हुआ है। ये हिंदी है, ऊपर वाले इंग्लिश में, ये नीचे फेंक दिया है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, हम आ गए इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले जो ये पोस्ट आपकी जिसमें वैकेंसी निकली हुई है उसका नाम है ICF, यानी ICF हो गया इंट्रिकल कोच फैक्ट्री। ये तमिलनाडु में है, जो कि आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो आपका ट्रेनिंग पीरियड जो होने वाला है आपका लोकेशन में वो आपका करीब रहने वाला है चेन्नई रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से पोस्ट वाले मोबाइल देख लें कौन से पोस्ट में आपके लिए अप्लाई मांगा गया है ऑफिशियल द्वारा। सबसे पहले कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, पेंटर है, वेल्डर है, और टोटल आपकी जो इसमें वैकेंसी रहने वाली है वो करीब 992 वैकेंसी सभी मिलाकर ऑल टोटल रहने वाली है, 992 वैकेंसी है। और इसमें आप वेस्ट वाइज, जो कम्युनिटी वाइज आप देख सकते हैं ट्रेड वाइज कितनी वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे करीब फिटर की वैकेंसी है, उसके बाद आपकी जो है इलेक्ट्रिशियन की, नहीं उसके बाद वेल्डर, फिर आपका इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है। यहाँ पे 510, इधर 480, टोटल आप मिला के देख सकते हो जो भी होगा यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसी दिया हो गया। बाकी बाद आपका जैसे यहाँ दो वैकेंसी PASA, ये PASA आपका ये वैकेंसी है जो कोपा वाले हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए दो वैकेंसी है टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोपा वाले भी ट्राई किए हैं, कोपा वाले वही है जो IIT करके पास हुए हैं, 2 ईयर्स का थी, 1 ईयर्स का आपका कोर्स लेकर। तो सबसे पहले बात करें आपकी एज की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाले, तो एज आपका रहने वाला 15 से लेकर 24 ईयर, यानी 15 साल से आप 24 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म के एलिजिबल हैं। अदरवाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है जैसे ST OBC सबका, तो गवर्नमेंट जॉब में सब सिमिलर होता है उसी टाइप में, इसके अंतर्गत अगर आप आते हो देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल है, फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मकैनिक, मैं बता दूँ इसमें दो तरह की पोस्ट निकले हुए, एक ITI वालों के लिए और एक नन ITI वालों के लिए। नन ITI वाले आपके 10th पास हैं वो अप्लाई कर सकते हो, और ITI भी पास हैं आप अगर तो 10th विद ITI 8 पास करके भी कैंडिडेट ITI करते हैं, बट यहाँ 8 पास करके ITI नहीं चलेगा, अगर आप 10th विद ITI तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बात करें फिटर, इलेक्ट्रिशियन एंड मशीनिस्ट की, तो आपकी 10+2 पद्धति यहाँ दिया गया है, तो 10+2 10th में आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, और ITI में मार्क्स तो होता ही है 50%, क्या तो इसमें 80% मार्क्स होता है। बाकी बात आपके ट्रेनिंग जो रहने वाले हैं, 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा, फिर आपका कारपेंटर है, पेंटर है और वेल्डर का, इसमें भी 10 में आपका 50% मार्क्स चाहिए,
और इनका भी पीरियड 1 वर्ष तक होना चाहिए। उसके बाद है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, ये ITI का जो 10th क्लास सिर्फ उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें से आपको 50% मार्क्स तथा कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग टेंग में जो भी ट्रेंड में आपका जो रहता है ITI में सबको पता ही है, इनका भी आपका 1 साल तक पीरियड रहने वाले हैं। आपकी बात करें नया यहाँ कुछ दिया योग्यताएं, इसमें सिर्फ 10+ वाले अप्लाई कर सकते हो जो कि फिटर इलेक्ट्रिशियन एंड मशीनिस्ट हैं। अगर आप सिर्फ 10th पास हैं और आपकी 50% मार्क्स है या फिर आप 10+2 हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपका 2 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहने वाले हैं 10th वालों के लिए। आप कारपेंटर एवं पेंटर के भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी आपका 50% चाहिए और यहाँ भी आपका 2 साल तक रहेगा। बाकी बात वेल्डर की बात करें तो इसमें आपका 10+50% चाहिए, बट आपका 1 वर्ष 3 महीना इसमें आपका मात्र आपका ट्रेनिंग रहने वाला है पीरियड। अगला बात करें हम, बात कर लेते हैं आपको वहाँ पे लगेगा क्या जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, तो यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा प्रोसीजर यहाँ दिखा अधिनियम प्रशिक्षु विनिमय, सबसे बड़े नज़दीकी के रोजगार एक्सचेंज। नज़दीक के सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इंडिया के सारे स्टूडेंट को कि सर ये नज़दीक के रोजगार एक्सचेंज क्या है। मैं बता दूँ नज़दीक के यानी जो चेन्नई सेक्टर है तमिलनाडु में, आप यहाँ देखा लिखा भी है वैसे अभ्यर्थी जो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आने वाले स्थानीय रोजगार एक्सचेंज में निबंधित हैं, आवेदन करने हेतु मतलब जो आपका हो चुका है तो आप रजिस्ट्रेशन की तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से परे नहीं होना चाहिए। ये वही कैंडिडेट इस फॉर्म को मतलब मैं बता दूँ फॉर्म के लिए क्या, ये इस फॉर्म जो आपका नज़दीक के रोजगार एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ तमिलनाडु कैंडिडेट के ही पास होता है। अदर स्टेट वाले इस फॉर्म के लिए जो अप्लाई नहीं कर सकते उसमें तमिलनाडु में, लेकिन ये मैं अभी तो जब आपको अभी नोटिफिकेशन में ला रहा हूँ, 1 दिन बाद मैं वीडियो इस पर कन्फर्म करके मैंने ईमेल कर दिया है ICF को जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के ऑफिस में, वो मेल जो है मेरा रिप्लाई नहीं किया, जब रिप्लाई किया जाएगा तो ये कन्फर्म कर देगा कि अदर स्टेट वाले बच्चे इस फॉर्म को लिए फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी आप फिलहाल जो है नोटिफिकेशन रीड करें, फॉर्म को अभी अप्लाई नहीं करना क्योंकि बहुत टाइम है अप्लाई करने में। जैसा आप सबको पता ही है टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि डेट यहाँ पे कुछ मैं आपको मेंशन कर दूँगा, करीब जून तक डेट दिया हुआ है, तो डेट आपका जून तक है, तो आराम से आप पेशेंस रखिए। मैं फॉर्म वाली वीडियो भी लाऊंगा, एक क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो भी लाऊंगा कि क्या कन्फ्यूजन है और किस तरह एक स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पेमेंट की बात कर लेते हैं, तो पेमेंट आपका जो नया वर्ष जो आपका 10+2 आपको मैंने बताया 10th वाले उनका जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 5,700 रुपया रहेगा पर मंथ फर्स्ट ईयर के लिए। आपका सेकंड ईयर में 6,500 रुपया मिलेगा और जो ITI कैंडिडेट है वो फर्स्ट ईयर में 5,700, सेकंड ईयर में 6,500 और जो थर्ड ईयर रहेगा वो 7,350 रुपया करके आपको पेमेंट स्टाइपेंड के रूप में आपको दिया जाएगा। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है जो कि डेट यहाँ पर दिया हुआ है दिनांक 20 मई 2019 से इसका स्टार्ट हो गया है 9 बजे से फॉर्म फिलअप, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 24 छः 2019 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, 24 जून तक 7 बजे तक बहुत टाइम है, आप आराम से पेशेंस रखिएगा। मैं फॉर्म वाली वीडियो भी ले आऊँगा, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है आपको लाना जो फॉर्म वाली है, पेशेंस रखिएगा, आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, सिर्फ यही आपको ध्यान में रखिएगा। बाकी बात जितना भी कन्फ्यूजन आप सीधे कमेंट कीजिए, मैं एक कमेंट सेक्शन बनाऊंगा, सिर्फ कमेंट और आंसर को इसमें लूँगा। मैंने ऑफिशियल इनको जो है अभी मेल किया है, मेल आने पर आपका जो तुरंत आपका जो कन्फर्मेशन में वीडियो फिर से लाऊंगा रिवाइज वीडियो। आप देख सकते हो यहाँ इन सब का जो लगेगा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, और ये आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, इसमें ना ही कोई आपका एग्ज़ाम होगा और ना ही आपका इंटरव्यू होने वाला है, बिल्कुल मेरिट बेस पे आपको बुलाया जाएगा, सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन कर लिया जाएगा, फिर आप आराम से ITI जो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ अप्रेंटिसशिप, जो 10th वाले कैंडिडेट है वो सोच रहे हैं सर अप्रेंटिसशिप होता क्या है, तो अप्रेंटिसशिप की मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर देख सकते हो। और ITI वालों के लिए आप लोग सबको पता ही होगा कि ये अप्रेंटिसशिप होता क्या और क्या बेनिफिट्स होता है रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने से। 10th वाले बच्चे उदास ना हो, मैं आपके लिए अप्रेंटिसशिप की वीडियो बना चुका हूँ पहले, अगर आप देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि मैं इसमें बता अभी नहीं सकता, ऑलरेडी बहुत टाइम जो लग गया है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मेरी आई होप आपको पूरा जो कन्फ्यूजन है मिल गया होगा, किस तरह अप्लाई करना है, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हो, एज क्रिटेरिया भी मैंने बता दिया है। डाउट सिर्फ इतना है कि ये चेन्नई ऑल स्टेट अप्लाई कर सकते हैं कि सिर्फ चेन्नई वाले तमिलनाडु वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं,
तो अभी कोई भी कन्फ्यूजन आपको लेना नहीं है। एक ऑफिशियल फिर से ये नोटिफिकेशन में मतलब वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में भी नहीं दिया हुआ है कि सर कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं स्टेट। पहली बात आपको ये ITI वाले एक बच्चे याद रहे, NCVT और SCVT दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरते समय आपको जो टोटल इन्फॉर्मेशन डालनी है वो फिर से बिना वीडियो बनाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए। आई होप इतना आपको समझ में आओगा, इतना कन्फ्यूजन आपको समझ में आ गया। कुछ भी कन्फ्यूजन तो आराम से कमेंट करें, मैं बता दूँ कुछ दिन बाद, एक दिन बाद मैं जब ईमेल आएगी ऑफिस से तो फिर से एक रिवाइज वीडियो लाऊंगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं रहा हूँ क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है अभी, और सबसे बड़ी न्यूज़ है आपके लिए, इंटर न्यूज़ देने के लिए मैं बहुत बड़ी यदि है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रेलवे में अप्रेंटिस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।